गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स में मूल कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं। मूल कॉन्सेप्ट्स में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा ग्राम एटम मीन्स एटॉमिक मास इन ग्राम, ग्राम मोलेकुल, मोलेकुलर मास इन ग्राम, ग्राम आयन, आयनिक मास इन ग्राम, फॉर्मूला मास, ग्राम फॉर्मूला मास, फॉर्मूला मास इन ग्राम। फिर हम लोगों ने मोल्स का डिफिनेशन देखा तीन चार फॉर्मेट में। मोल इज अ केमिकल यूनिट फॉर मेजरिंग, एसआई केमिकल यूनिट फॉर मेजरिंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स सच एज एटम्स, मोलेक्यूल्स, आयंस एंड सो ऑन। फिर उसने हमने एवोगैड्रो नंबर देखा। एवोगैड्रो नंबर में देखा कि कार्बन का कि वन एटम का मास मास स्पेक्ट्रोमीटर से जो निकाला गया 1.992648×10⁻²⁰ ग्राम, और मास ऑफ वन मोल कार्बन 12 ग्राम, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम निकाला गया वन मोल में, और उससे पता चला कि कितना नंबर ऑफ एटम्स हो सकता है किसी भी एंटिटीज किसी भी पार्टिकल्स के वन मोल में, यानी वन मोल कोई भी एंटिटीज हो, एटम्स, मोलेक्यूल्स, आयंस, उसमें 6.022×10⁻²⁰ एटम्स, मोलेक्यूल्स, आयंस होगा। तो मोल से हम लोग दो बात निकाल पाते हैं, एक मास ऑफ पार्टिकल एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दो बातें का पता चलता है हमको। अब हम लोग मोल कंसेप्ट को एटम्स, मोलेक्यूल्स, आयंस, फॉर्मूला मास, मोलर मोलर वॉल्यूम सब के कंटेक्स्ट में इंडिविजुअली देखते हैं। तो पहले देखते हैं वन मोल एटम। वन मोल एटम मींस वन ग्राम एटम। वन ग्राम एटम मींस एटॉमिक मास इन ग्राम। वन ग्राम एटम दैट इज एटॉमिक मास इन ग्राम। अब यहां देखते हैं इसमें 6.022×10⁻²⁰ एटम्स, यानी मास भी पता चला और एटम्स भी पता चला, यानी वन मोल जब हम एटम कहते हैं तो उसके मास का भी पता चलता है, उसमें नंबर ऑफ एटम्स का पता चलता है। ये सारे एग्जाम्पल देखते हैं इसका। वन मोल क्लोरीन, क्लोरीन मोलेक्यूल नहीं, वन मोल क्लोरीन एटम। वन ग्राम एटम क्लोरीन मीन्स 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन इक्वल टू 6.022×10⁻²⁰ एटम्स ऑफ क्लोरीन। 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन, 6.022×10⁻²⁰ एटम्स ऑफ क्लोरीन। अब हम लोग एक सेकेंड एग्जाम्पल देखें, कार्बन एटम, यहां हमने देखा टू मोल क्लोरीन एटम, कार्बन का एटॉमिक मास 12,
2 into 12 gram of carbon और एवोकैडो नंबर को हम Na से लिख रहे हैं द 2 into Na एटम्स ऑफ अनदर वन एग्जाम्पल 5 moles ऑक्सीजन एटम ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 तो 5 into 16 gram ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 5 into एवोगैड्रो नंबर एटम्स ऑफ ऑक्सीजन यानी 1 gram atom दैट इज एटॉमिक मास इन ग्राम 6.022×10⁻²³ एटम्स 1 mole क्लोरीन एटम मीन्स 1 gram atom क्लोरीन 35.5 gram ऑफ क्लोरीन 6.022×10⁻²³ एटम्स ठीक उसी तरह से अगर 2 mole लेते हैं 2 mole क्लोरीन लेते हैं 2 into 35.5 और 2 into एवोगैड्रो नंबर 2 moles कार्बन तो 2 into 12 gram ऑफ कार्बन है 2 into एवोगैड्रो नंबर एटम्स ऑफ कार्बन 5 moles ऑक्सीजन एटम तो 5 into 16 gram ऑफ ऑक्सीजन और 5 into Na एटम्स ऑफ ऑक्सीजन अब हम देखते हैं डिफिनेशन ऑफ मोल इन कंटेक्स्ट ऑफ मोलेक्यूल के रिगार्डिंग इसका डिफिनेशन मोलेक्यूल्स के रिगार्ड moles of S8.
into 18 gram of H2O, 5 into Na molecules of H2O. So 1 mole molecule, so 1 gram molecule, molecular mass in gram, molar mass 6.0 to 10 to power 23 molecules. 1 mole sugar, 1 gram molecule sugar, 342 gram of sugar, 6.0 to 10 to power 23 molecules of sugar. We have a 2 mole sugar like that, 2 into 342 or 2 into 6.0 to 2 will happen. 2 moles sulfur molecule, 2 into 6 gram of sulfur, 2 into Na molecules of sulfur. 5 moles of water, 5 into 18 gram of H2O. 5 into Na molecules of H2. Third distinction is written in context of formulas. In context of formulas. Formula units of Kevin Ford.
2 moles KClO3, 2 into 122.5 gram of KClO3, 2 into NF formula units of KClO3. 3 moles of NaOH, so 3 into 40, 3 into Avogadro number. हम इस 40 से Avogadro number को नहीं multiply करेंगे, gram formula unit से, gram formula, gram atom से, gram mole से, हम उसको multiply करेंगे. And fourth definition regarding ions. Fourth definition about ions. हमने आज देखा वन मोल एटम मतलब वन ग्राम एटम 6.02 × 10²³ एटम्स, वन मोल मोलेकुल, वन ग्राम मोलेकुल, 6.02 × 10²³ मोलेकुल्स ऑफ सब्सटेंस, वन मोल फॉर्मूला मास, वन मोल वन ग्राम फॉर्मूला मास एंड एन ए फॉर्मूला यूनिट्स, वन मोल आयन वन ग्राम आयंस एंड 6.02 × 10²³ आयंस, वन मोल एन एच फोर प्लस 18 ग्राम ऑफ एन एच फोर, एन ए आयंस ऑफ एन एच फोर प्लस, टू मोल्स एनओ थ्री माइनस एंड 2 × 62 ग्राम ऑफ एनओ थ्री माइनस. मतलब हम मोल का कितना ब्रॉड रेंज है इन टर्म ऑफ ग्राम एटम, ग्राम मोलिकुल, ग्राम फॉर्मूला मास, ग्राम आयन. इस चारों में ये नंबर ऑफ एटम ही बताता है. ग्राम एटम है तो उसमें नंबर ऑफ एटम बताएगा, उसका मास बताएगा. ग्राम मोलिकुल के केस में नंबर ऑफ मोलिकुल्स एंड देयर मास. इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला मास ग्राम फॉर्मूला मास तो फॉर्मूला मास इन ग्राम भी बताएगा, उसमें नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स भी बताएगा, फिर नंबर ऑफ आयंस भी बताएगा. वन मोल इलेक्ट्रॉन कहेंगे तो उसको इलेक्ट्रॉन 6.02 × 10²³ इलेक्ट्रॉन. तो नेक्स्ट क्लास हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखेंगे. हमको मोल इन टर्म ऑफ ग्राम एटम, इन टर्म ऑफ ग्राम मोलेकुल, इन टर्म ऑफ ग्राम आयन, इन टर्म ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास, हमको तीनों में डिफरेंस, तीन टर्म है, वन
एटम, एक एटम का जो वजन है वो एएमयू में लिखते हैं, वन ग्राम एटम का जो वजन है वो ग्राम में लिखते हैं। उसी तरह से वन मोल जब कहते हैं मतलब वन ग्राम एटम, वन ग्राम मोलिकूल, वन ग्राम फॉर्मूला मास, वन ग्राम आयन, और उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब एटम्स मोलिकूल्स और आयन जो होगा वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर होगा। अब नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड हम लोग ढेर सारा न्यूमेरिकल्स देखेंगे। एंड देन गुड बाय।